अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक बहुत ही प्यारी क्रीम के साथ जो ऑयली स्किन, एक्नी सबको ख़त्म करेगी, डबल टोन स्किन को इवन करेगी। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी मुझे कमेंट में कि प्लीज़ ऑयली स्किन के लिए कोई क्रीम बता दें जो ऑयल भी ख़त्म करे फेस से और एक्नी भी ख़त्म कर दे और स्किन को वाइट भी कर दे। तो मैं आपके लिए ये फार्मूला क्रीम लेकर आई हूँ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिना शक के आप इसको यूज़ करें। आप वीडियो मेरी पूरी वॉच कीजिएगा और मैं आपको आगे चलकर फेस वॉश भी बताऊंगी जो आप इस क्रीम के साथ यूज़ करेंगे। तो ड्यू की हमें क्रीम चाहिए है, ये आपकी स्किन को वाइटनिंग करेगी। और आपको स्टील मिल चाहिए है रेड वाली, ठीक है, फ्रेकल क्रीम है ये, रेड वाली आपको चाहिए जो आपके एक्नी के निशानात को ख़त्म करेगी और ऑयल को कंट्रोल करेगी, ठीक है। ये दो काम ये करती है क्रीम। फेयर लवली क्रीम चाहिए हमें और एक्नी का हमें चाहिए सीरम जी। तो हमें ड्यू क्रीम ले लेनी है, बिल्कुल मैं आपके सामने बनाऊंगी। बहुत अच्छी ये फार्मूला बनेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है आपकी स्किन को, मैं कहती हूँ कोई नुकसान नहीं। अगर आपकी स्किन को कोई नुकसान हो तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ आपको। आप खुश हो जाएंगे मेरी ये फार्मूला क्रीम यूज़ करके, आप मुझे दुआएं देंगे कमेंट जी। बिल्कुल, मैं अपने व्यूवर्स के लिए ऐसी कोई रेमेडी नहीं लेकर आऊँगी कभी भी जिससे मेरे व्यूवर्स की स्किन ख़राब हो। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपकी स्किन अच्छी हो जाए। ऐसी चीज़ लेकर आऊँ जिससे आप मुझे दुआएँ दें और आप इस्तेमाल करें, आपको रिज़ल्ट भी आए। तो ठीक है, ड्यू क्रीम हमने डाल ली थी एक कटोरी में। आपने बिल्कुल साफ़ सुथरी कटोरी लेनी है क्योंकि ये हमने महफूज कर देनी है क्रीम बना के एक दो महीने के लिए। ड्यू क्रीम में हमने ऐड की है स्टील मिल क्रीम, ठीक है, रेड वाली स्टील मिल क्रीम हमने ऐड कर दी है। उसके बाद हमने क्या ऐड करना है, बिल्कुल आप वीडियो मेरी पूरी वॉच कीजिएगा। जिस तरह मैं ये क्रीम बना रही हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही क्रीम बनानी है, ठीक है, फिर रिजल्ट बहुत प्यारा आएगा और आपको स्किन पर जो ऑयल आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और एक्नी के निशानात भी साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे। तो फेयर लवली हमने क्रीम लेनी है। फेयर लवली का एक छोटा साशा मिलता है, आपने यही ऐड करना है, ट्यूब या जार नहीं लेना। हमें थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए फेयर लवली क्रीम की, ठीक है, आपने यही लेना है। एक्नी की फार्मूला क्रीम अलग होती है, वाइटनिंग की अलग होती है, ठीक है। ये एक्नी और ऑयल को कंट्रोल करने की मैं क्रीम बना रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस क्रीम के बाद कोई शिकायत नहीं होगी कि हमारे फेस पर ऑयल आता है, हम इसे कैसे ख़त्म करें। ज़ाहिर है जब फेस पर ऑयल आएगा तो फिर एक्नी भी बनती है और फिर हम उससे परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए स्पेशल क्रीम लेकर आई हूँ। उसमें हमने ऐड करना है डर्माकॉस का एक्नी सीरम, ठीक है, आपने पढ़ के लेना है डर्माकॉस का एक्नी सीरम। जितना भी आपके फेस पर रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, ऑयल आया होता है नोज़ पर, चिन्स पर, ये सब उनको कंट्रोल करेगा और एक फेस पर एक्नी भी आने से बचाएगा, ठीक है। तो आपने ये इसमें एक सीरम पूरा ऐड करना है, आपने ये पूरा ऐड करना है, इसमें हाफ नहीं लेना, पूरा ऐड करना है। इसे मैं तोड़ कर ले आई थी तो ये आपके सामने मैं पूरा ऐड कर रही हूँ, देखें, ठीक है। अच्छे से फिर हमने पूरी क्रीम को मिक्स कर देना है। इसमें चार चीज़ें हमने ऐड की हैं, कोई इसमें फजूल क्रीम्स मैंने ऐड नहीं की जो हमारी स्किन को जला देती है, बर्न कर देती है, उल्टा फ़ायदा देने के बजाय हमारी स्किन ख़राब कर देती है। तीन चार दिन में तो हमारी स्किन चमकदार हो जाएगी, रोशन हो जाएगी, निखरी निखरी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम क्रीम का इस्तेमाल स्लो करते हैं या कम करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। लेकिन इस क्रीम के बाद आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें कोई ऐसी फजूल किस्म की क्रीम इस्तेमाल नहीं की है। आप एक दफ़ा ये क्रीम बना लेंगे ना, मैं कहती हूँ आप बार बार ये क्रीम बनाना पसंद करेंगे। इतनी कमाल की वाइटनिंग और ऑयल फ्री क्रीम है, बहुत कमाल की। इसमें हमने कोई कैप्सूल वगैरह ऐड नहीं किया है, ठीक है। अब मैं आपको इस क्रीम को कैसे इस्तेमाल करना है ये बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको फेस वॉश बताती हूँ। आपने फेस वॉश करना है एक्नी क्लियर प्लस से, ठीक है। आप ये सोप भी है, इसका फेस वॉश भी, आप दोनों में से एक ले सकते हैं, लेकिन आपने इस क्रीम के साथ ये लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मैं आपको एक और फेस वॉश बता रही हूँ, ये न्यूट्रोजीना का है। न्यूट्रोजीना का ऑयल फ्री फेस वॉश है, ये भी मैंने इस्तेमाल किया। ये फेस वॉश भी कमाल का है, लेकिन ये 1300-1400 का मिल जाता है, लेकिन वो कम बजट है। तो आप चाहे तो दोनों में से कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। तो अच्छे से हमने अपने फेस वॉश को नाइट में फेस वॉश करना है और फिर हमने ये क्रीम ऐसे अप्लाई करनी है। क्रीम का टेक्सचर कुछ ग्रीन सा था, ठीक है, जब हमने चारों क्रीम मिक्स की है तो इसका क्रीम का कलर कुछ ग्रीन ग्रीन सा आ गया है। तो बहुत ऑयल फ्री क्रीम है और आपकी स्किन को वाइट भी करेगी और ऑयल भी कंट्रोल करेगी। बिल्कुल ड्राई हो गया था मेरा हैंड, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं था, ऑयली नहीं था। क्रीम आपने पूरी स्किन पर जस्प करनी है, बहुत ज़्यादा लेप नहीं
नहीं करना जिस तरह मैंने हैंड पर लगाई है, इसी तरह आपने फेस पर अप्लाई करनी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा जो लेप होता है ऐसा नहीं करना, और आपने डेली नाइट में ये यूज़ करनी है और दिन में यूज़ नहीं करनी, ठीक है। दिन में आपने 3 से 4 दफ़ा फेस वॉश जो आपको मैंने बताया है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो ये देखिए सीरम मैंने जो ऐड किया है ना, ये हमारे ऑयल को कंट्रोल करेगा। बिल्कुल ड्राई हो गया है मेरा हैंड, और बहुत ही अच्छी कमाल की मैंने आपको रेमेडी बताई है जो यूट्यूब पर आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। इस जादुई क्रीम को मेरी सिस्टर ने 2 से 3 दफ़ा यूज़ किया। फेस पर दाग धब्बे थे, हल्की हल्की छाई थी वो भी ख़त्म हो गई थी, स्किन वाइट भी हो गई है। तो मेरी सिस्टर को तो ये क्रीम पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप आसानी आप तक पहुँच जाएँ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और कमेंट में आप इसका रिज़ल्ट ज़रूर बताएं। तो कल एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ आऊँगी जिसका 101% रिजल्ट आएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।